राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि दशकों का इतिहास रखने वाले उस्मानिया अस्पताल की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। राज्यपाल ने ट्विटर पर कहा कि अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण जल्द कराया जाए। राज्यपाल तमिलिसाई ने राज्य सरकार से उस्मानिया अस्पताल के नए भवन के निर्माण के संबंध में पहले किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने जस्टिस फॉर OGH नाम के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में अस्पताल में मरीजों को हो रही दिक्कतों की तस्वीरें ट्वीट में जोड़ी गई। इसके साथ ही राज्यपाल ने नए भवन के निर्माण के लिए संयुक्त संस्था द्वारा जारी पत्र की तस्वीरें भी ट्वीट में संलग्न की। उन्होंने कहा कि उस्मानिया अस्पताल का कई लोगों को सर्वोत्तम चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का इतिहास रहा है। गवर्नर तमिलसाई ने जस्टिस फॉर OGH के ट्वीट को रीट्वीट किया और अस्पताल की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने राज्य सरकार से अस्पताल के नए भवन का निर्माण शीघ्र कराने का आग्रह किया। मंत्री हरीश राव ने कहा कि उस्मानिया अस्पताल पर राज्यपाल तमिलिसाई की टिप्पणी अफसोसजनक है, क्या उन्होंने सरकार में हुई एक भी अच्छे काम के बारे में बताया, हरीश राव ने पूछा। हरीश राव ने याद दिलाया कि CM KCR ने 2015 में उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत बनाने का फैसला किया था, लेकिन कुछ लोग इसे लेकर अदालत में चले गए। वह मामला फिलहाल अदालत के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि वे नई बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार है। कोरोना के दौरान उस्मानिया के डॉक्टरों ने शानदार काम किया है, क्या राज्यपाल को चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में हुए विकास के बारे में एक बार भी नहीं बोला। चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें केंद्र से कई पुरस्कार मिल चुके हैं, क्या राज्यपाल को BRS शासन में केवल बुराई ही नजर आती है, क्या वह केवल बुरा ही बोलती है, मंत्री ने सीधा पूछा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की टिप्पणी पर राजनीति साफ नजर आ रही है और वे बेवजह कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कंडीवेलुगु जैसे कार्यक्रम की सराहना करने का साहस न रखने के लिए राज्यपाल की आलोचना की। उन्होंने निम्स में बिस्तरों की बढ़ोतरी के बारे में ट्वीट भी क्यों नहीं किया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्यपाल को यह नहीं दिखता कि राज्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में शीर्ष पर है। हरीश राव ने शिकायत की कि सरकार द्वारा किए गए अच्छे काम तमिलों द्वारा देखे या सुने नहीं जाते। हरीश राव ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल भाजपा के प्रतिनिधि की तरह बात करते हैं। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा कि CM KCR की दूरदर्शी नीतियों से राज्य में अनाज की पैदावार 10 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर नागरिक आपूर्ति विभाग अपने स्तर पर मिल स्थापित करने का काम कर रहा है। उपज के अनुसार सरकार किसान को मिलिंग और उप उत्पादों से समर्थन देने के उपाय करेगी। मंत्री गंगुला कमलाकर ने सचिवालय में उच्च स्तरीय चर्चा की। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा कि 9 साल में तेलंगाना देश के लिए अन्नपूर्णा बन गया है। CM KCR की दूरदर्शी किसान समर्थक नीतियों के अनुसार CM के आदेशों से प्राप्त 10 गुना अनाज उपज के अनुसार मिलिंग उद्योग को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। मंत्री ने BR अम्बेडकर सचिवालय में नागरिक आपूर्ति आयुक्त अनिल कुमार, SPZ अधिकारियों और जापान सेटेक कॉरपोरेशन के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जहां 2014 में 1,815 चावल मिले थी, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर केवल 2,574 हो गई है। इस पृष्ठभूमि में सालाना 3 करोड़ टन से अधिक उत्पादन करने वाले अनाज की मिलिंग के लिए तेलंगाना में व्यापक अवसर है। मंत्री गंगुला कमलाकर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री KCR ने पहले ही राज्य भर में नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत 2,000 करोड़ से मिले स्थापित करने का आदेश दिया है और सरकार इस दिशा में तेजी से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना दुनिया भर की नवीनतम तकनीक को अपनाने में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि पहला लक्ष्य किसानों की फसलों को अधिक समर्थन प्रदान करना है, ताकि वे मिलिंग उद्योग में भी नवीनतम तकनीक को अपनाकर किसानों के लिए उपयोगी हो सके। अनाज मिलिंग के साथ साथ चावल की भूसी का तेल, नूका आदि जैसे उत्पादों को भी संसाधित किया जाएगा। इसके लिए वेसाटेक, साइलो और दुनिया में नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराने वाली अन्य कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की 102वीं जयंती के मौके पर BRS विधायकों और MLC ने तेलंगाना सचिवालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकारी मुख्य सचेतक विनय भास्कर, MLC L रमणा और बंडा प्रकाश ने राष्ट्र के प्रति
पीवी की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीवी ने देश की आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत नींव रखी है। पीवी को एक महान राजनेता कहा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 102वीं जयंती के मौके पर बीआरएस विधायकों और एमएलसी ने तेलंगाना सचिवालय में उन्हें श्रद्धांजलि दी। सरकारी मुख्य सचेतक विनय भास्कर, एमएलसी एल रमणा और बंडा प्रकाश ने राष्ट्र के प्रति पीवी की सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीवी ने देश की आर्थिक स्थिति के लिए मजबूत नींव रखी है। पीवी को एक महान राजनेता कहा जाता है। नलगोंडा स्थित कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की 102वीं जयंती के मौके पर तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने उनकी तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव एक महान नेता थे जो तेलुगु राज्य में पैदा हुए और भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने कई आर्थिक सुधार किए और भारत के विकास के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि उनके महान सुधारों के कारण ही आज भारत विकसित हुआ है। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव एक महान बहुभाषी कवि थे। कहा जाता है कि वह 17 भाषाओं में धारा प्रवाह बोलकर सभी को आश्चर्यचकित कर देते थे। पीवी नरसिम्हा राव एक राजनेता ही नहीं बल्कि एक महान लेखक भी थे। उन्होंने कहा कि जिसने देश की इतनी सेवा की है उसका सम्मान करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नलगोंडा शहर में पीवी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने सुझाव दिया कि आज के युवाओं को पीवी को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोदंडा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा लाई गई धरनी पोर्टल में कई खामियां हैं। हम इस पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। कोदंडा रेड्डी ने केटीआर को इस पर चर्चा के लिए सामने आने की चुनौती दी। आरोप है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पैसे लेकर धरनी में जमीन का अवैध अधिग्रहण किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोदंडा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा लाई गई धरनी पोर्टल में कई खामियां हैं। हम इस पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं। कोदंडा रेड्डी ने केटीआर को इस पर चर्चा के लिए सामने आने की चुनौती दी। आरोप है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पैसे लेकर धरनी में जमीन का अवैध अधिग्रहण किया है। टीपीसीसी उपाध्यक्ष चमाला किरण रेड्डी ने कहा कि केटीआर तेलंगाना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वे हैदराबाद के विकास को तेलंगाना मॉडल के तौर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। किरण रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बाहरी रिंग रोड कांग्रेस शासन के दौरान ही आया था। उन्होंने केटीआर से जवाब मांगा कि कितने लोगों को डबल बेडरूम घर दिए गए। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर बीआरएस पार्टी के नाम पर तेलंगाना के लोगों के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सामा राममोहन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी राज्य सरकारों के खर्च की तुलना में तेलंगाना लोगों पर कम खर्च करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां देश के सभी राज्य शिक्षा पर 14.8% खर्च करते हैं, वही तेलंगाना सरकार केवल 7% खर्च करती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शिक्षा और चिकित्सा बोझ बन गई है। कांग्रेस नेता पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि बीआरएस 2023 में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि गौरवेली गंडीपल्ली परियोजना की आधारशिला दिवंगत सीएम वाईएसआर के कार्यकाल के दौरान हुस्नाबाद निर्वाचन क्षेत्र में रखी गई थी, जो एक पठारी क्षेत्र है। केसीआर ने इस इलाके में तब आकर कहा था कि इस प्रोजेक्ट का काम कछुआ गति से चल रहा है और जब वे सीएम बनेंगे तो काम शीघ्र करवा देंगे, पर बाद में सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसे पलटकर देखा तक नहीं। बताया जा रहा है कि केसीआर ने पूछताछ करने वाले किसानों के प्रति असहिष्णुता भी जताई। बजरंग दल वीएचपी नेताओं ने टीएसपी एसपी कमिश्नर जनार्दन को एक याचिका सौंपी है कि 1 जुलाई को तेलंगाना लोक सेवा आयोग की ग्रुप 4 परीक्षा में शामिल होने वाली हिंदू महिला उम्मीदवारों को अपमानित न किया जाए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देने के लिए उनसे मंगलसूत्र, माला, चश्मा, पट्टी और केसर जैसे हिंदू संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले आभूषण न उतारने के लिए कहा गया। तेलंगाना में 9 लाख से अधिक उम्मीदवार शनिवार 1 जुलाई को ग्रुप 4 परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हिंदू महिला अभ्यर्थियों को मंगलसूत्र, चश्मा, चूड़िया जैसे हिंदू संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले आभूषण उतारकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाता है।
एक हिंदू महिला का मंगलसूत्र जो तब तक नहीं उतारा जाता जब तक कि उसके पति की मृत्यु ना हो जाए, परीक्षा केंद्र पर उतरवाया जा रहा है। बजरंग दल और वीएचपी नेताओं ने कहा कि इससे हिंदू महिलाओं की भावनाएं गंभीर रूप से आहत होगी। बजरंग दल के राज्य संयोजक शिवराम कृष्ण और वीएचपी सचिव पंडरीनाथ यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि परीक्षा में शामिल होने वाली हिंदू महिला उम्मीदवारों की भावनाएं आहत न हो। वाईएसआरडीपी अध्यक्ष शर्मिला ने कहा कि चालाक केसीआर हर क्षण हर दिन बात बदलते हैं। वाईएस शर्मिला ने ट्वीट किया कि दो पार्टियों को लेकर काम करने वाली केसीआर की फिल्म को दिया गया सर्टिफिकेट ए बी है। वाईएस शर्मिला ने केसीआर की आलोचना करते हुए उन्हें गिरगिट कहा जो जरूरत पड़ने पर कई रंग बदलता है। उन्होंने पूछा कि क्या वे कर्ज माफी के नाम पर 31 लाख लोगों को ठगने वाले किसानों की टीम बनेंगे। उन्होंने कहा कि वह किसानों के यह कहने के पक्ष में है कि अगर वे धान लगाएंगे तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ट्वीट में कहा गया कि अगर फसल जमीन पर गिर जाए तो आप उन किसानों की टीम कैसे बन सकते हैं जो रुपये का मुआवजा नहीं देते। दलितों को 3 एकड़ जमीन दी गई, आरक्षण बढ़ाकर अल्पसंख्यकों को धोखा दिया जा रहा था, आदिवासियों को धोखा देने की उम्मीद कर रहे थे। बीसी जो आबादी के शीर्ष पर है को कमजोर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केसीआर के शासन में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसे धोखा नहीं मिला हो। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर लोगों के पक्ष में नहीं है, वे लोगों को लूटने वाले चोरों के पक्ष में है। तेलंगाना बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन की चल रही मुहिम पर प्रदेश मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने सफाई दी है, इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंडी संजय तेलंगाना भाजपा प्रमुख बने रहेंगे। तरुण चुग ने कहा कि अध्यक्ष बदलने को बढ़ावा देना उचित नहीं है। बीजेपी के प्रदेश मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने की सनसनीखेज टिप्पणी। पिछले कुछ समय से तेलंगाना प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष को बदलने की जोरदार मुहिम चल रही है। अटकलें लगाई जा रही है कि बंडी संजय, जो वर्तमान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, को हटाकर केंद्र किशन रेड्डी को दिया जाएगा। इससे पहले भी राज्य में यह चर्चा गर्म रही थी कि इसकी कमान बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा को दी जा रही है। बीजेपी के प्रदेश मामलों के प्रभारी तरुण चुग ने इसी कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी प्रमुख को बदलने की खबरों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव पार्टी आलाकमान की राय में नहीं है। कुछ लोग इस बात से नाराज है कि वे उनके खिलाफ गलत प्रचार कर रहे हैं। बंडी संजय को अध्यक्ष पद से हटाने का कोई इरादा नहीं है। तरुण चुग ने कहा कि बंडी संजय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री इटेला राजेंद्र ने एक बार फिर सनसनीखेज टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रगति भवन से उन्हें मारने की साजिश रची गई है। इटेला ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी बीआरएस नेताओं से मिली। राजेंद्र ने कहा कि वे लोग सुपारी देकर उनकी हत्या कराना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस एमएलसी कौशिक रेड्डी एक मनोरोगी और परपीड़क है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। इटेला ने कहा कि उन्होंने करीमनगर पुलिस कमिश्नर के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी विधायक ने कौशिक रेड्डी को बीआरएस से बर्खास्त करने की मांग की। एक मनोरोगी को केसीआर द्वारा एमएलसी नियुक्त किया गया है। इटेला ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के लोग और पार्टी कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। बकरीद के दौरान पशु वध के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने युग तुलसी फाउंडेशन के संस्थापक शिव कुमार के पत्र को सुमोटो जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। शिव कुमार ने पत्र लिखकर कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गौहत्या की जा रही है। हालांकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि बकरीद से एक दिन पहले कार्रवाई के लिए पत्र लिखना उचित नहीं है। पीठ ने पूछा कि अगर संवेदनशील मुद्दों पर अंतिम समय में उच्च न्यायालय को घसीटा जाता है तो कैसे। कल बकरीद के त्योहार के दौरान मुसलमानों में पशु वध एक परंपरा बनती जा रही है। मामले की जांच हाईकोर्ट में हुई। युग तुलसी फाउंडेशन के संस्थापक शिव कुमार ने लिखा पत्र। उन्होंने पत्र में कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गौहत्या की जा रही है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस पत्र को सुमोटो के तौर पर लिया। इसे पीठ ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर लिया। हालांकि हाईकोर्ट ने बकरी त्योहार से एक दिन पहले पशु वध के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखने के उद्देश्य पर सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अंतिम समय में हाईकोर्ट से कैसे पूछा जा सकता है। हालांकि एजी प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि
मवेशियों और अवैध यातायात पर नियंत्रण के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट लगाकर मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने बीफ बैन कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया। सीएस और डीजीपी ने उचित कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि बकरीद को सच्ची भावना से मनाया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सीएस और डीजीपी को इस मामले पर 2 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्य ने साफ किया कि बकरीद त्योहार के दौरान पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यह हिंदुओं के लिए पहली एकादशी है और इसी समय मुसलमानों के लिए बकरीद भी आई है। लोग धार्मिक सौहार्द के साथ खुशी खुशी त्योहार मनाना चाहते हैं। हमारे क्राइम ब्यूरो नरेंद्र ने की डीसीपी साई चैतन्य से खास बातचीत। साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्य ने साफ किया कि बकरीद त्योहार के दौरान पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यह हिंदुओं के लिए पहली एकादशी है और इसी समय मुसलमानों के लिए बकरीद भी आई है। लोग धार्मिक सौहार्द के साथ खुशी खुशी त्योहार मनाना चाहते हैं। हमारे क्राइम ब्यूरो नरेंद्र ने की डीसीपी साई चैतन्य से खास बातचीत। हैदराबाद में आतंकवादी पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। इससे चलते गुजरात एटीएस की टीम हैदराबाद आई। जानकारी है कि इसके तहत कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पता चला है कि एटीएस की गिरफ्त में आए लोगों में एक कोचिंग सेंटर में सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग देने वाले शख्स समेत एक 18 साल की लड़की भी है। गुजरात एटीएस के अधिकारी हैदराबाद में व्यापक तलाशी ले रहे हैं। कई प्रमुख इलाकों में जांच कर रहे हैं। इसके तहत काला पत्थर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया। वहीं तोलीचौकी निवासी मोहम्मद जावेद को एटीएस अधिकारियों ने हिरासत में लिया। खबर है कि एटीएस को शक है कि अमीरपेट के एक कोचिंग सेंटर में सॉफ्टवेयर ट्रेनर जावेद के आतंकियों से संबंध है। ऐसा लगता है कि एटीएस कोचिंग सेंटर में मोहम्मद जावेद की गतिविधियों के बारे में पूछताछ कर रही है। इस प्रक्रिया में एटीएस अधिकारी अमीरपेट में तलाशी का अभियान चला रहे हैं। इसके तहत जावेद कोचिंग सेंटर के आसपास के 4 अन्य कोचिंग सेंटरों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एटीएस अधिकारियों को शक है कि वह कोचिंग की आड़ में उग्रवाद की ट्रेनिंग दे रहा है। इससे यह मामला गर्मा गया है। दूसरी ओर उस राज्य के एटीएस अधिकारियों को पता चला कि रामगुंडम की लड़की ने गुजरात में एक संदिग्ध आतंकवादी से चैट की थी। खबर है कि रामगुंडम पहुंचे एटीएस अधिकारियों ने लड़की को हिरासत में ले लिया और उसे हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। मालूम हो कि यह युवती 18 साल की है। खबर है कि उसके माता पिता कह रहे हैं कि उसने 6ठी कक्षा तक पढ़ाई करके स्कूल छोड़ दिया था। तेलंगाना में अगले 2 दिनों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास निम्न दबाव जारी रहेगा। इसके अलावा यह भी पता चला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भी सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होगी। पता चला है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश की संभावना है। इसमें कहा गया है कि कल तक भद्राद्री कोत्तगुडम, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, महबूबनगर और नागर कर्नूल जिलों में छिटपुट गरज और बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। गुरुवार से शुक्रवार तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक जिलों में छिटपुट बारिश होगी। संबंधित जिलों के येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच निर्मल, पेद्दापल्ली, राजन्ना सिरसिल्ला, कमारेड्डी, मेदक, संगारेड्डी, करीमनगर, महबूबाबाद और भद्राद्री कोत्तगुडम जिलों में पिछले 24 घंटों में मध्यम बारिश हुई है। आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों से पहले ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी राज्य में किंगमेकर के रूप में उभरने का लक्ष्य बना रहे हैं। हाल ही में ओवैसी ने बताया कि पार्टी राज्य में किंगमेकर की भूमिका निभाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति BRS का एक राजनीतिक विकल्प है। AIMIM सुप्रीमो ने यह बयान तब दिया जब वे BRS विधायक शकील आमिर की हत्या के प्रयास के आरोपों का
सामना करने वाले लोगों से मिलने के लिए सारंगपुर जेल के दौरे पर थे। AIMIM तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव में हैदराबाद के पुराने शहर से परे सीटों पर चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। अब हाल ही में AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका निर्णय सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद किया जाएगा। यह पहली बार नहीं है कि AIMIM ने पुराने शहर के बाहर चुनाव लड़ने का इरादा जताया है। इससे पहले पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने उल्लेख किया है कि तेलंगाना की 119 सीटों में से कम 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव चालू वर्ष के अंत में होने वाले हैं, जिसमें 119 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में शामिल मुख्य दल तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC और भारतीय जनता पार्टी भाजपा थे। चुनाव के बाद TRS, जिसे अब BRS के नाम से जाना जाता है, 119 सीटों में से 78 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाई 119 सीटों में 78 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद सरकार बनाई, जिससे उसकी सीट हिस्सेदारियों में 25 की उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इसी के विपरीत कांग्रेस की सीट हिस्सेदारी के से घटकर 19 हो गई, जबकि AIMIM 7 सीटें जीतने में सफल रही। सरकार बनाने के अपने प्रयासों के बावजूद भाजपा केवल एक सीट सुरक्षित कर सकी और राजा सिंह और शामल विधानसभा क्षेत्र में विजयी हुए हैं। पार्टी की सीट हिस्सेदारी 5 से घटकर 1 रह गई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की दस्तक जून में लग चुकी है। मॉनसून शुरू होने के बाद अब तक तेलंगाना व हैदराबाद के ज्यादातर क्षेत्रों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। किसानों को काफी हद तक राहत मिल रही है, जो जून के पहले सप्ताह में बारिश नहीं होने से चिंतित थे। धान की फसल के साथ धान की बुआई के लिए अभी मौसम उपयुक्त नहीं है। इस बीच एक महीने पहले हुई बारिश के कारण मंडल के अंतर्गत कुर्मागुड़ा मेडीपल्ली मॉल और कुर्मागुड़ा तांडा में किसानों ने कपास के बीज लगाए। बादल छाए रहने के कारण बारिश या कपास के अंकुर सूख रहे हैं। किसान चिंतित है, कुछ स्थानों पर उन्हें वास्तविक अंकुर नहीं दिख रहे हैं। 5 दिन पहले हुई मध्यम बारिश के कारण जो बीज अंकुरित नहीं हुए उन्हें दोबारा रोपा गया। हालांकि हर 2 दिन में घने बादल छाने के बावजूद बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरने के किसान संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पिछले साल इसी समय कुर्मागुड़ा मेडीपल्ली मॉल और कुर्मा तांडा में कुल 150 एकड़ में धान की खेती की गई थी, लेकिन इस बार बारिश नहीं होने से बुआई की कोई संभावना नहीं है। कृषि अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल 853 एकड़ में जवर, तुवर और कपास की खेती की गई थी, लेकिन इस बार कम से कम 50 एकड़ में खेती नहीं की गई। किसान चिंता जता रहे हैं, मृगशिरा के बाद भी धूप के प्रभाव से धान सूख रहा है। हैदराबाद के सीमावर्ती क्षेत्र के किसान ने कहा, हमने एक महीने पहले अपने 3 एकड़ में कपास के बीज के 6 पैकेट 6,500 रुपए में खरीदे थे। जुताई पर 6,000 रुपए, खाद पर 14,500 रुपए और मजदूरी पर 3,000 रुपए खर्च किए। बारिश नहीं होने के कारण हम 2,000 रुपए के कपास के बीज और लाए और बोए। पहले लगाए गए कपास के पौधे सूख रहे हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल सूखना तय है। दक्षिण पश्चिम मानसून अप्रतिशत तरीके से चल रहा है। IMD के एक अधिकारी ने कहा, देश के लगभग 80% हिस्से में मानसून फैल चुका है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण मानसून बहुत तेजी से देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गया है। रविवार को मानसून दिल्ली और मुंबई पहुंच गया। ऐसा बदलाव करीब 62 साल बाद हुआ है। दरअसल मानसून 11 जून को मुंबई और 23 जून को दिल्ली तक फैल जाएगा, लेकिन मानसून दोनों महानगरों में एक ही दिन पहुंचा। इस साल नई प्रणाली के अंतर्गत मानसून पूरे देश में फैल गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने घोषणा की है, दक्षिण पश्चिम मानसून ने लगभग 62 वर्षों के बाद मुंबई और दिल्ली शहरों में एक साथ दस्तक दी है। यह घटनाक्रम इसलिए हुआ क्योंकि मानसून मुंबई में 2 हफ्ते देर से और दिल्ली में 2 दिन पहले पहुंचा। IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा, 21 जून
1961 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। उधर मॉनसून के विस्तार के साथ ही विभिन्न राज्यों में बारिश तेज हो रही है। पहले से ही असम बाढ़ में फंसा हुआ है। हाल ही में छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और अन्य राज्यों में भारी बारिश हो रही है। असम में बाढ़ का स्तर थोड़ा कम हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 271,582 हो गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के जवानों ने 123 नागरिकों को बचाया। उत्तराखंड में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद राज्य सरकार सतर्क हो गई है। आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। हैदराबाद में भारी बादलों, सामान्य श्रेणी में हवा के दबाव, पश्चिम दक्षिण पश्चिम से बहने वाली नम्र हवा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD हैदराबाद ने तेलंगाना के लिए पीला अलर्ट जारी कर लिया है। राज्य भर में आंधी, बिजली गिरने और तूफान की भी संभावनाएं जताई गई है। पूर्वानुमान के मुताबिक तेलंगाना के कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिर्याला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भूपालापल्ली, वरंगल, हनुमाकोंडा जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। समाचार समाप्ति के पूर्व मुख्य समाचार फिर एक